एक इन्होंने कहा कि कुर्बानी के गोश्त की शरा तकसीम के बारे में बता दें देखिए मसला ये है कि अच्छा इन्होंने साथ में हवाला भी दिया कि आपने ये भी कहा था कि सारा गोश्त रख सकते हैं मसला ये है कि फकहा ने वाज तौर पर लिखा कि जो कुर्बानी करे अगर वो तंगदस्त है गरीब है और उसको गोश्त वैसे आम दिनों में मैसर नहीं आता तो वो अगर बिल्कुल भी तकसीम ना करे सारा का सारा लख, रख ले तो इसके लिए ये बेहतर है यह अफजल है बल्कि ताकि चलें घर वाले अरसे दराज तक खाते रहें अगर कोई इंतज़ाम रेफ्रिजर वगैरह का है और दूसरी सूरत यह है कि ऐसी सूरत कुछ भी नहीं है इसमें अगर आप सारा रखना चाहें तब भी रख सकते हैं कुछ शरीयत ने आपको मजबूर नहीं किया कि आप ज़रूर बाँटें फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है लेकिन अफजल भी ये सूरत नहीं है अगर अल्लाह ने आपको दिया है और आप मतलब बाँट कर भी जितना अपना आपका हिस्सा उसको खा सकते हैं और बाद में भी खरीद सकते हैं तो फिर तो अल्लाह के रास्ते में दें ठीक है ना लेकिन फिर भी फ़र्ज़ कर लें हु शरा के एतबार से फर्ज कर रहा हूँ अगर कोई सारा गोश्त रख लेता है तो वो गुनाहगार नहीं कहलाएगा तीसरी सूरत यह है कि अफजल तरीक़ा क्या है वही जैसे इसके तीन हिस्से करें एक हिस्सा अपने पास रखें एक दोस्त अहबाब को दें एक गा के अंदर तकसीम कर दें यह है अफजल तरीक़ा ताकि दूसरों तक भी गोश्त पहुँच जाए शुरू इस्लाम में जब कुर्बानी होती थी तो रामत कौन सल्ला वसम ने फ़रमाया कि कोई भी कुर्बानी के गोश्त को अपने घर में ना रखे तीन दिन से ज़्यादा ना रखे सब तकसीम करें क्योंकि उस वक्त का गोश्त नहीं था फिर बाद में सरकार ने इस हुम को वापस ले लिया जब थोड़ी फराबानी हुई ज़्यादा लोगबानी करने लगे तो रहमत कौन सलीस ने इस हु को मनसूख फरमाया तो अब इसी पर अमल है तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप तीन हिस्से कीजिए और वह तीन हिस्से भी बड़ी खुश दिली के साथ करें हम बात अपने हिस्से में डालते हैं बेहतरीन किस्म की बोटियाँ गोल गोल बोटियाँ वो सब रख लेते हैं ये भी रख लो इसकी ये बनाऊंगी वो फलाँ की वो मतलब बिरयानी बनानी है और फलाँ गोश्त के वो निहारी बनानी है और उसके फलाँ चीज़ बनानी है अपने अच्छा गोश्त रख लिया दोस्त अहबाब को फिर उनके देने के अतबार से किसी ने रान भेजिए तो रान किसी का अच्छा गोश्त आया तो अच्छा गोश्त जिसने कुछ नहीं भेजा उसको छोड़ दो तो ये लेन देन का मामला और गरीबों को सबसे ज़्यादा पसलियों का गोश्त और ऐसा वो गरीबों को दे दो ये चीज़ नहीं आप जो दे रहे हैं ना समझ लें वो अल्लाह तबारक व ताली के दस्त कुदरत में जाएगा सबसे पहले जब आदमी सदका करता है तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में जाता है और फिर किसी गरीब तक पहुँचता है अब जो अल्लाह को आप तोहफ़ा दे रहे हैं फ़र्ज़ कर लें कि वो उसके ज़रिए गरीब तक पहुँचा रहे हैं वो तोहफ़ा एक इतहाई नाकस हो ये मतलब खुद सोच लीजिए अगर कोई आपके घर में इस तरह का गोश्त भेज दे के उठाएँ तो ये पसलियाँ सारी लटकी हुई नजर आएँ तो आप भी इसको बुरा फील करेंगे कि यार ये ये क्या कैसे गोश्त भेजा है पसलियाँ पसलियाँ भेज दिया हमें और आप गुस्से का इजहार करेंगे तो अल्लाह के लिए हम पसंद करें मुनासिब नहीं हाँ ये हो सकता है थोड़ा बहुत गोश्त अच्छा रख लें बाकी सबको मिक्स करें फिर उसके तीन हिस्से करें और ताकि बराबर बराबर गोश्त पहुँचे और खुश दिली के साथ अल्लाह की राह में दें